वर्षों से चल रहे अवैध आरा पीलिंग और प्रेस मिलों पर अब वन विभाग का चलने लगा है डंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र और बरियारपुर पूर्वी के वार्ड नंबर 7 में खड़े हैं। और 7 में एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहां पर वर्षों से ये नेपाली सैनी का आरा मिल है और पीलिंग मशीन भी इसी तरह से लोगों के पास है जो अवैध रूप से चल रहा है। और अवैध रूप से चल रहा है इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद भी चल रहा है, जिसके अंदर 400 पीलिंग प्रेस और आरा मिल वाले लोगों को आरोपित बनाते हुए मामला न्यायालय में चल रहा है। और इसी दरमियान फॉरेस्ट विभाग यानी वन प्रमंडल मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा यहां पर लगातार छापामारी की जा रही है। अभी हम नेपाली सहनी के आरा मिल पर हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम कि ये सब जो स्टैचू है, ये पहले से बना हुआ है निर्माण, ये सब टूटा हुआ है। और टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि इन सभी पर मशीन लगा हुआ था। और मशीन लगा हुआ था, यहाँ पर वन प्रमंडल के जब पदाधिकारी पहुँचे तो उस समय मशीन नहीं पाया गया, यानी यहाँ के जो मालिक हैं वो अपने मशीन को स्थानांतरण कर दिए। उसके जगह पर ये खाली जो है इसका मुंडा मिला, इसको जो है क्रोधित होकर उन लोगों ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद यही के आसपास के अन्य भी जो मिल हैं उसको भी हम दर्शकों को दिखाएंगे और जिला के आला अधिकारियों को दिखाएंगे, यहाँ तक कि पटना जो है मंत्रालय को भी दिखाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सौतेलापन भी किया जा रहा है। और सौतेलापन क्या किया जा रहा है, तो किसी की मशीन को जब्ती किया जा रहा है, किसी की संपत्ति को तोड़ भी दिया जा रहा है और किसी को छोड़ भी दिया जा रहा है। अब जब छोड़ दिया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और जिनको छोड़ दिया जा रहा है उन पर वह लोग जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए कुछ लोगों को छोड़ दे रही है और कुछ लोगों को तोड़ दे रही है। सवाल बनता यह है कि यह बरियारपुर पूर्वी में गिने चुने लगभग मुश्किल से 10 से 15 पीलिंग मशीन और आरा मशीन होगा, इससे अधिक पंसलवा के मंडी में है जो गिन नहीं सकता है, इतना आरा मिल, पीलिंग मिल और प्रेस मिल है और उन पर हाथ नहीं लगाया गया। और ये अंदर जो पड़ता है इसी पर हाथ क्यों लगाया गया, यह एक विषय है और एक सवाल भी खड़ा करता है। हम दर्शकों को आपको दिखाने जा रहे हैं कि वन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और क्षेत्रीय वन पदाधिकारी मोतीपुर के आतंक को हम आतंक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये 100 मिल है यानी आरा मिल है और आरा मिल के जो संचालक है कितना अमीर है ये चीज को बताने की जरूरत नहीं है, आप स्थिति को देख सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ये वैध है या अवैध, तो ये अवैध है, ये वैध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून को तोड़ने वाला, चाहे वो आरा मिल संचालक हो या कोई पदाधिकारी हो, वह दोनों ही दोषी है। और यहाँ पे वन पदाधिकारी जो है वह दोषी क्यों है, चूँकि इसी मोतीपुर के अंजना कोर्ट में भेदभाव किया गया है। और भेदभाव कैसा किया गया है, जो करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, अवैध पीलिंग मशीन चला रहे हैं, आरा मिल चला रहे हैं और प्रेस मिल चला रहे हैं, उनके प्रेस को छुआ तक नहीं गया। लेकिन यह एक गरीब है और जिनके पास, ये आप देख सकते हैं कि पूरे तिरपाल लगा कर ये अपने एक छोटा सा उद्योग किए हुए हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये अवैध चला रहे हैं, यह बात सत्य है। लेकिन इन्हीं को टारगेट क्यों किया गया, टारगेट के साथ इनके जो आरा मशीन है उसको भी वन पदाधिकारी ने जब्त कर लिया है। और जब्त करने के बाद जब्ती सूची का कोई रिसीविंग इनको ना दिया गया है और ना ही इनसे हस्ताक्षर कराया गया। यहाँ तक कि हमारे कैमरे के सामने एक युवा है, इनका कहना यह है कि बगल में इनका घर है और इनकी बहन की शादी के लिए भी कुछ लकड़ियाँ जो हैं ये खरीद कर रखे हुए थे, उसको भी क्षेत्रीय पदाधिकारी ने जबरन उठा के ले गया। क्या कहिएगा, सही है गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये हम अपने बहन के लिए शादी में देने के लिए रखे हुए थे कि उस लकड़ी से एक अच्छा मतलब
पलंग या अलमीरा बना जा सके, बाकी वो फिर भी हमारे कहने के बावजूद भी वो मतलब ले गए। वो लकड़ी किसका था, इनका था क्या आपका था? नहीं, ये वो लकड़ी मेरा था। कहाँ से लाए थे आप? वो अपना निजी मतलब लकड़ी लोग माने ना खोल खाल कहला कि हमारा साइड में भी 10 गो मशीन है, वो ओहू लंग ना गेलक। केकर केकर मशीन है साइड में? नेपाली जी के फाउंडेशन उखाड़लक लोग, आ वो लगा अभी दू चार पाँच गो मशीन है तो वहाँ लोग तकबो न कहलक। केकर केकर मशीन है जिसको नहीं तका? नेपाली जी के तब न रहे, एक सहनी जी बा एगो, नाम न जानले ओकर। अच्छा, यादव लोग के मशीन है, ये लंग विद्यानंद राय के मशीन है, विनोद राय के मशीन है, तो कहाँ कोई वहाँ गए। हमारा गरीब आदमी तिरपाल उरपाल धके केनतियो गुजर करी ले, सिमर के लकड़ी जे बा पीलिंग मशीन में से हमने खरीद के लेके आ ओकरा के माने चीर के आ ओकर बोर्ड बना के हमने का बेचे ले, वो से दाल रोटी चल ले। दाल रोटी चल ले, कितना आदमी के घर चलता था इससे? लगभग 10 आदमी के। 10 आदमी का? तो मशीन ले गया तो बताया नहीं कि हम कहाँ ले जा रहे हैं? हमनी माने हमनी के तो टपा ही ना देवे पुलिस वाला, मार के बेलगा देवे पहले ही है। लाठी भी मारा आपको? जी। किसी को चोट भी है? चोट तो ये अपने के बगले में भोला जी बारन वो पिटेलन, मनोज रामे को यही लंग बगल के बारन वो पिटेलन। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान है, मशीन तो ले गेल लोग, ले गेल से ले गेल हमर घर। कितना का मशीन था? मशीन लगभग 2 लाख रुपया के ले गेल, तोड़ दिया है घर 1 लाख रुपया के तोड़ लेवा लोग। पिलर उलर देखल ना जाओ तो सामने ही में बस समूचा घर से। क्या करेंगे आपको, मशीन कौन लेगा मालूम पड़ा आपका? वन विभाग। कहाँ का वन विभाग? मुजफ्फरपुर। अधिकारी का नाम है? जिना। रसीद उसीद दिया? ना कुछ ना। दस्तखत करवाया? कुछ ना। फिर कैसे कह रहे कि वन विभाग ले गया? वन विभाग हमने चीनी ले, विनोद नाम के एगो सिपाही बा वो आयल रहे कल है, आ वो 2000 के महीना भी हमरा से ले रहा था पहले। 2000 का महीना ले रहा था? जी। किस चीज का? ये आरा मशीन चलावेला। विनोद क्या नाम है? विनोद है सिपाही गार्ड वन विभाग के। कहाँ, मुजफ्फरपुर या मोतीपुर का? मोतीपुर रहल अनु आ मुजफ्फरपुर माने मुजफ्फरपुर से वो आयल हुई है। अच्छा, तो ये बताइए, ये विनोद जो सिपाही है वन विभाग का, ये केवल आप ही से लेते थे कि औरों के उसे लेते थे? अब आउट लोग से तो हम तो लेते हुए हैं, लेकिन हम ना से निजी लेते रहलन है। हर महीना 2000? हर महीना 2000। अच्छा, पैसा लेते होंगे? अच्छा, हाँ, ये मशीन चलाने के। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि देख लीजिए गरीबों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रहा है। ये अवैध चल रहा है, इस बात से हम सहमत हैं, और अवैध इन लोग क्यों चला रहे हैं या गलत कर रहे हैं इस बात से भी सहमत हैं। लेकिन अवैध चीज को चलाने और चलाने के बाद अगर कोई जीविका पालन कर रहा है, और खास करके वन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर मोतीपुर अब सौतेला व्यवहार कर रही है, इसी जगह कल्याणपुर हरौना मुरसंडी और पंसालवा में एक साथ में हजारों हजारों मील जो अगर खड़े हो जाएं तो सैकड़ों पीलिंग मशीन दिखाई देगी जो करोड़ों का बिजनेस कर रही है, लेकिन वहां नहीं तोड़ा गया है। और नहीं तोड़ा गया क्यों? क्योंकि वहां पर हो सकता है कि उनको एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मोटा रकम जाता हो और इसलिए उनको छोड़ दिया गया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो उन पर भी यही पोजिशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरे के सामने आप देख सकते हैं इस गरीब का 100 मील यानी 12 मील चलता है उसको तोड़ा गया। अब सवाल बनता है कि इसी जगह पर और भी जो लोग हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया? तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार या हो सकता है कि भ्रष्टाचार का मोटा रकम, अगर इन्हें देने में सक्षम होते तो इनका बच जाता, और नहीं देने में सक्षम है इसलिए तो अभी जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर के वन विभाग जो है सक्रिय हुई है और तमाम अवैध पीलिंग और प्रेस और सो मिल पर जो कार्रवाई कर रही है, तो आज हम उस व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। यह राम इकबाल राय, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी हैं पंसलवा क्षेत्र से, और इन्हीं के द्वारा जो है आवेदन करने पर विभाग सक्रिय हुई, क्योंकि पहले तो लेन देन में चल रहा था लेकिन अब लेन देन भी नहीं हो रहा और कार्रवाई हो रही है किनके ऊपर, जो अवैध संचालक है फिलिंग के और प्लाईवुड फैक्ट्री के। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या राम इकबाल जी क्या मन में आया और किस अपने ही जिला परिषद क्षेत्र से आपने जो आवेदन किया है लगभग सैकड़ों पिलिंग और प्लाईबोर्ड और 100 मिल यानी 12 मिल पर, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम जब क्षेत्र में घूम रहे थे, हाँ, तो हमको बहुत पता चला कि सारा अभी जो है सो अवैध है, हाँ, और इन लोगों से बहुत प्रदूषण जो है काफी बढ़ा हुआ है, हाँ, सभी का जैसे आँख में लोड गिरना, हाँ, मैंने पशु को क्षति हो रहा था, हाँ, जमीन का क्षति, उर्वरा शक्ति कम होते जा रहा था, हाँ, मजदूर का कोई निबंधन नहीं है, हाँ, मजदूर मारे जा रहे थे, ये लोग 1-2 लाख में समझौता करके, हाँ, मैंने 3-4 फैक्ट्री में मजदूर मर गए, हाँ, और प्रशासन ले दे के ये लोग स्लट लेता है, हाँ, और ये लोग आराम मिल से काफी अवैध कमाई किया, हाँ,
और कभी सरकार को टैक्स नहीं दिया। टैक्स के मामला में कि जमीन का संपरिवर्तन नहीं कराया, बिजली लिया वो माने कमर्शियल नहीं लिया, समझ नहीं। उसके बाद में ये लोग कोई लाइसेंस नहीं लिया और अवैध तरीके से चारों तरफ आरा मिल खोल खेल के हर डे पर डे बुझाता था कि आज आरा मशीन है खुल रहे हैं, कल खुल रहे हैं, और ये लाखों का कमाई ये लोग किया। तो हमको लगा कि क्षेत्र की जनता इसे त्रस्त है, क्योंकि पैसे वाले का बोलबाला है, माने पैसे वाले के आगे कोई माने कोई नहीं टिक सकता है। ये लोग कई ढंग से प्रलोभन देते हैं। तो हमारा एक सोच आया कि जनता की लड़ाई विभाग के, तो ये लोग तो पहले से मिला हुआ था, ये लोग पैसा दे के अवैध आरा मिल चलवाते थे, का ये वन विभाग के नॉलेज में थोड़े नहीं था, था ही, लेकिन अब ये लोग सक्रिय है और ये लोग उखाड़ फेंक कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। एक चीज और बताया जाए कि आप अपने आप को जिला के निवासी मानते हैं या क्षेत्र के निवासी मानते हैं? ना क्या बिहार राज्य के निवासी हम है। तो आपके नजर में केवल मोतीपुर ही क्षेत्र में अवैध पीलिंग प्रेस और आरा मिल क्यों, और मुजफ्फरपुर में तो और भी है ना? ना पूरे मुजफ्फरपुर जिला में हम घूमते हैं, जिला भर के हम अथी डायरेक्टर भी रह चुके हैं पैक्स में। हाँ। हम तो भिन्न भिन्न पोस्टों पर बहुत पोस्ट पर रहे हुए हैं। तो जिले में और जगह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तब जिले में नहीं हो रही है तो हम तो लिखे पूरे जिला के लिए। अच्छा, और कहिएगा तो फिर लिखेंगे बिहार भर के। हाँ। बिहार भर के मांग करेंगे। यानी आपके लिए कोई एरिया भेदभाव नहीं है, नहीं है। जो जो अवैध है वो अवैध है, चाहे वो जिला के अंदर हो या जिला के बाहर हो। बाहर हो, यही है ना? हाँ, यही है। हाँ। क्या उद्देश्य रहेगा? ये आपके लेखनी से पूरी खलबली मच चुकी है और पूरे मुजफ्फरपुर में खलबली मचा हुआ है, खास करके जिनका उजड़ रहा उनमें तो खलबली है। खलबली उन लोगों में है जो लोग अवैध कमाई कर रहे हैं, तो वो तो रुक रहा है, तो उसको नहीं खलबली होगा। हाँ, हाँ। लेकिन आम जनता को इससे बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदा हो सकता है? माने अमेरिका का एक टीम छापा। हाँ। कि भारत में बिहार में, भारत के बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के में काफी प्रदूषण है। हाँ। हम पेपर देखे और तब हम लिखना शुरू किए। हाँ। कि लोग ही नहीं रहेंगे तो इन लोगों का फैक्ट्री लगवाने से क्या फायदा हुआ। जैसे कोई जहर का फैक्ट्री खोल ले तो उसको तो कमाई हो जाएगा जहर के फैक्ट्री से। हाँ। लेकिन वो तो जो खाएगा वो तो मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जे बिल्कुल। तो उसी ढंग से जो अवैध आरा मिल खोल करके ये लोग तो लोगों को खत्म कर रहा है। हाँ। इससे प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है मुजफ्फरपुर में 300 कुछ माने पॉइंट। अभी बिहार में सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ही प्रदूषण है। यहाँ तक कि अभी पेपर भी छापा है कड़बर की डीएम के नजदीक है, मिठनपुरा में है। हमारा कहना है कि मोतीपुर में सबसे ज्यादा, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मोतीपुर में एक प्रदूषण केंद्र स्थापित किया जाए कि कितना प्रदूषण बढ़ा हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम इकबाल राय, ग्राम अटोलिया, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। कितनी महिला को ये लोग माने अति कर दिया, डैमेज कर दिया। उसके बाद में तो वो सब कहती थी कि नहीं अपने आइए नेता है आप जरूर क्वेश्चन उठाइए हम लोगों को हित में, तब हम जा करके इसको उठाए। आप देखिएगा ना कि जब सारा मामला कहाँ है, मामला न्यायालय में चल रहा है या विभाग में चल ना? न्यायालय में भी मामला है, जैसे कि कमेटी बना था, डीएम कमेटी बनाए थे, जैसे पशुपालन पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, वन के डीएफओ थे, प्रदूषण विभाग के थे, इन लोगों ने एक कमेटी बना के पूरा जाँच करके रिपोर्ट दिया और न्यायालय में C2 करके माने केस दायर है। क्या लगता है सबको जेल हो जाएगा? हाँ, जो होना ही है, सब लोगों को नोटिस उटिस हो रहा है, तो गलत कीजिएगा तो गलत के परिणाम तो गलत। यानी जेल होना संभव है? संभव है। हाँ। सारा लोग जेल जाएंगे। हाँ। सारा लोगों को टैक्स देना होगा। हम इनकम टैक्स वाले को भी लिखे हैं। हाँ। ये लोग कभी टैक्स नहीं देता है। हम उसके बाद बिजली विभाग को भी लिखे हैं, हम कमिश्नर को लिखे हैं जमीन का परिवर्तन कराने के लिए, प्रदूषण विभाग को लिखे हैं, माने इसमें जितना विभाग जो लगता है सारी लोगों को हमने लिखा है कि इन लोगों पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन ये लोग संहिता नहीं रहे हैं, इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। तो ये थे राम इकबाल राय, जो पाकी जुझारू और कर्मठ हैं और अवैध कार्यों के लिए परिवर्तन करने के लिए ये निरंतरन जो है प्रत्येक क्षेत्र में संघर्षशीलता के साथ रहे हैं, और मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में चल रहे तमाम अवैध पिलिंग मशीन और फैक्ट्रियों पर जल्द से जल्द लटकने वाली है ताला और संचालक जाएंगे जेल। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।